नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन, ये सदाए हिरा की 9वीं किस्त है। पिछली किस्त में आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा और दीगर अरब में जो ख़ानदान मुक़ीम हुए उनकी तफ़सीलात सुनी थी। अब आइए मैं आपको अरब के कुछ और ख़ानदानों का तज़किरा आपके सामने रखता हूँ। अदनान नामी ख़ानदान का नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल ये ख़ानदान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक जा मिलता है। अदनान नामी शख्स से जो औलाद हुई उसमें मुज़र और रबिया ज़्यादा मारूफ हुए और फिर उसमें से मुज़र जज़ीरतुल अरब के मगरबी हिस्से जिसको हिजाज कहा जाता है वहाँ आबाद हुए और रबिया मशरक़ी अरब यानी नजद में क़याम पसीर हुए। मुज़र की औलाद दर औलाद में से एक औलाद हुई फ़हर। इन्हीं को क़ुरैश के नाम से जाना जाता है, जैसे आज भी हम अहले क़ुरैश कहते हैं। दरअसल इस ख़ानदान का असल नाम फ़हर था। इनकी औलाद मक्का में ही मुक़ीम हुई। इन्हीं में से एक शख्स पैदा हुए क़ुसै, जो अहम शख्सियत माने जाते थे और बहुत ही मशहूर और मकबूल थे। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि इस दौर में मक्के का जो इंतज़ाम था वो कबीले कुज़ाअ के पास था। क़ुसै ने ही मक्का शहर में इंतज़ाम को मजबूत करते हुए उसको मुनज़्ज़म बनाया था, जैसा कि मुरब्बी व उस्ताद मोहतरम मौलाना राबे हसनी नदवी दामद बरकातहुम ने अपनी तसनीफ रहबर इंसानियत में इसको तहरीर फरमाया है। नाज़रीन, में जो ख़ानदान की तफसीलात आपके सामने जो रख रहा हूँ ताकि हमें हमारी तारीख से वाकिफियत हो। हमें जब हमसे कोई पहचान पूछे कि तुम कौन हो, तो हमें अपनी पहचान हो कि हम जिनको अपना रहबर कहते हैं, जिनकी उम्मती में से हम हैं, जिनकी एक एक चीज़ के सिलसिले में हमें जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हमारी पहचान ही ये है कि हम मुहम्मदी हैं, मुसलमान हैं। हमें अपने नबी उम्मी के ख़ानदान की तफसीलात अगर मालूम ना हो तो भला बताइए कि दुनिया भर की मालूमात होने के बावजूद कोई फ़ायदा है? तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ क़ुसै का जो तस्किरा किया था ना, जी हाँ, उन्हीं के बेटे अब्द मुनाफ थे, यानी फ़हर। क़ुरैश के बेटे क़ुसै और क़ुसै के बेटे अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ से चार बेटे हुए, इनमें से एक मुतल्लिब, नौफिल, अब्द शम्स और हाशिम। इन चार औलादों में अगर शोहरत हासिल करने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा शोहरत हाशिम ने पाई। अब यही शोहरत औलाद दर औलाद मुंतकिल हुई, यानी हाशिम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतल्लिब पैदा हुए। अब्दुल मुतल्लिब को पूरे मक्के में इज्जत के मकाम से देखा जाता था। अल्लाह उनको औलाद भी पेट भर अता की थी, यानी अब्दुल मुतल्लिब के घर जुमला 10 बेटों ने जन्म लिया था, जिसमें एक अब्दुल्ला भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार हैं। अब्दुल मुतल्लिब के दीगर 9 बेटों के नाम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा के नाम कुछ इस तरह हैं, इसको याद रखिए। अबू तालिब यानी अब्द मुनाफ, ज़ुबैर, हमज़ा, अब्बास, अबू लहब यानी अब्दुल उज़्ज़ा, अल हारिस, हजल, मुकव्विम, ज़र्रार। इन तमाम चचाओं में अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा साथ दिया, दुनियावी एतबार से भी। इसका तस्करा आगे के दिनों में आएगा। अब आइए हम थोड़ी सी गुफ्तगू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतल्लिब और उनके बेटे अब्दुल्ला के बारे में करते हैं। दरअसल अब्दुल्ला से मुतालिक एक वाक़या मशहूर है, अब्दुल मुतल्लिब और अब्दुल्ला के ताल्लुक से, कि जिसको सीरत इब्न हिशाम में हवालों के साथ नकल किया गया और इसी हवाले से कई सारी सीरत की किताबों पर ये वाक़यात दर्ज हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतल्लिब ने ये दुआ की थी कि अगर उनको 10 नरीना औलाद हुए तो शुक्राने के तौर पर वो एक बेटे को ज़बह कर देंगे।
और अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ 10 औलाद हुई और जब 10 की तादाद मुकम्मल हुई तो अब नज़र के मुताबिक एक बेटे को ज़बह करना था और जिस बेटे का नाम कुरान में आया या फिर इशारा दिया गया वो अब्दुल्ला थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद। नाज़रीन, दरअसल आपको ये बताने से पहले आपके सामने वो चीज़ें रखनी ज़रूरी है कि आखिर ऐसी नज़र अब्दुल्ला को क्यों माननी पड़ी। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा था कि मक्का यानी काबा उस वक्त जिस नौयत से भी लोग उसका तवाफ़ करते थे मगर इस इलाके को शर्फ हासिल था और हाजियों को तवाफ़ करने वालों को पानी पिलाने का काम, जिसको सिकाया कहते हैं या फिर हज के इंतज़ाम वगैरह, इन्हीं के ज़िम्मे थी। इसी वजह से ये ख़ानदान जहाँ पूरे मक्के में काबिल शर्फ व मकबूल था वहीं इज़्ज़त की निगाह से भी देखा जाता था। इब्ने हिशाम ने एक वाक़े का जिक्र किया है कि और इब्ने इसहाक़ के हवाले से इस वाक़े को दर्ज किया है कि एक दफ़ा अब्दुल मुतल्लिब मकाम हजर, जो आजकल हत्तीम का इलाका माना जाता है, वहाँ पर वो आराम फरमा रहे थे कि एक ख्वाब देखा कि किसी ने जमजम के खोदने का हुक्म दिया है। सीरत इब्न हिशाम में अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से इस ख्वाब की तफसीलात कुछ यूँ बयान की गई हैं कि अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, मैं मकाम हजर में सो रहा था कि एक आने वाला मेरे पास आया और कहा, तय्यबा यानी जमजम को खोदो। मैंने पूछा, तय्यबा क्या चीज़ है? ये सुनते ही वो मेरे पास से चला गया। दूसरा दिन हुआ तो मैं अपने आरामगाह को लौटा और फिर सो गया। फिर ख्वाब में इशारा हुआ, कहा, बिर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बिर्रा क्या चीज़ है? ये सुनते ही इशारा करने वाला मेरे पास से फिर चला गया। तीसरा दिन हुआ, मैं अपने आरामगाह में आया और सो गया। फिर इशारा करने वाला ख्वाब में आया और कहा, मजनूना को खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? फिर वो मेरे पास से चला गया। फिर जब चौथा रोज़ हुआ, मैं अपने आरामगाह को लौटा और सो गया तो वो फिर मेरे पास ख्वाब में आया और कहा, जमजम खोदो। मैं पूछा, जमजम क्या चीज़ है? उसने कहा, जो कभी ना सूखेगा और उसका पानी ना कभी कम होगा, वो हज करने वाले बड़े बड़े ग्रोहों को सैराब करेगा। वो इस वक्त लेद और खून के दरमियान गुराब आसम यानी वो कौवा जिसके परों की नोक सफ़ेद हो के घोंसले के पास चींटियों की बस्ती के करीब है। नाज़रीन, वक्त हो चला, इस ख्वाब के बाद क्या हुआ, क्या कुआं मिला, क्या खुदाई हुई, कुरैश ने क्यों रुकावटें डाली और अब्दुल मुतल्लिब ने एक बेटे को क्यों ज़बह करने की नजर मानी, सब तफसीलात लेकर अगले हफ्ते हाजिर होता हूँ। आप देखते और सुनते रहें अरब की कहानी मेरी ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।